देखो यहाँ पे हमने पास इंटीग्रेशन किया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा माइनस को थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस को थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा से। ये हमने क्यों किया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो आई इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ये देखो वन है, वन के इक्वल, तो ये वन पुट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू, एंड इसका करेंगे हम होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस टू कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन इसकी जगह हमने क्या पुट किया, वन इंटू डी थीटा। ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको तो हम एज इट इज रख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब कोट, कोट किस जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ से कोट निकालेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हमने कोट किस जगह पुट कर दिया, माइनस टू इंटू कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन, तो यहाँ पे लिख देते हैं वन अपॉन साइन, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टू इंटू कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया हमारे पास अब इंटीग्रेशन में फाइनली सॉल्व करके। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम इसको देखो सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू डी थीटा माइनस फिर टू इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू, टू तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ये तो आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन है, और फिर इंटीग्रेशन किसका हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, सॉरी माइनस कोट थीटा, तो आ गया माइनस कोट थीटा, माइनस वन इंटू डी थीटा का कितना आ जाएगा, माइनस थीटा, माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे टू टू कॉन्स्टेंट है, टू तो आ जाएगा बाहर, और अब हम क्या करेंगे, देखो न्यूमिनेटर में साइन है, तो साइन थीटा को यदि हमें टी ले हूं, टी से सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएटर क्या होता है, कोस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो कोस थीटा इंटू डी टी की जगह मैं पुट कर दूंगा डी टी, तो आ जाएगा डी टी अपॉन इसकी जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, अब आई इज इक्वल टू माइनस टू कोट थीटा माइनस टू इंटू टी टू दी पावर माइनस टू, इसका क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक है, इंटू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट थीटा, तो आई इज इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस टू कोट थीटा माइनस टू इंटू माइनस, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इससे कैंसिल होकर प्लस आ गया, और वन अपॉन टी, और टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, वापिस साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो फाइनली अपने पास इसका इंटीग्रेशन आ गया टू इंटू वन अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, तो आ जाएगा टू इंटू कोसेक थीटा माइनस टू कोट थीटा एंड माइनस थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये इस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, टू कोस थीटा माइनस टू कोट थीटा माइनस थीटा, सॉरी ये नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमको बेसिकली इसमें सबसे पहले करना क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर नीचे वाला टर्म जीरो वन बन जाएगा, और यहाँ से फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये लिखा तो मेरे पास ये आ गया, और इस वाले टर्म को हमने साइन कोस में बदल लेंगे, और फिर साइन को यहाँ पे टी से सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कोसेक।
ठीक है, तो फाइनली अपने पास इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ओके, ये तो इजी है।